वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सभायै। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का पुनः ई पाठशाला में स्वागत है। आज का जो हमारा पाठ है उसमें हम महाकवि बाण भट्ट का परिचय प्राप्त करेंगे। ये तो ही शास्त्री तृतीय कक्षा में कादंबरी यह ग्रंथ आप सभी को पढ़ना है, तो उस कादंबरी ग्रंथ से पूर्व में कादंबरी ग्रंथ के रचयिता महाकवि बाण भट्ट है, उनके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो संस्कृत काव्य की जो परंपरा है वो मुख्यतया दो प्रकार की परंपरा है, दृश्य और श्रव्य। तो दृश्य में तो नाटक आदि आते हैं, श्रव्य में जो है काव्य आते हैं। तो उसमें तीन प्रकार है, गद्य, पद्य और चंपू। चंपू काव्य होता है वो गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है, वह चंपू काव्य होता है। उसमें भी जो गद्य है वो दो प्रकार का होता है, एक आख्यायिका प्रकार का और दूसरा कथावाचक कथा प्रकार का। आख्यायिका का उदाहरण है हर्षचरितम और कथा का उदाहरण है कादंबरी। तो इस प्रकार से गद्य काव्य में कादंबरी कथा के रूप में बहुत ही विख्यात है। और एक अनुपम स्थान है इसका। कादंबरी का यदि मूल देखे तो वह बृहत कथा गुणाढ्य कृत जो है उसमें से ली गई है, उसमें कुछ परिवर्तन करके बाण भट्ट ने बहुत उत्तम रचना की है इसकी। कादंबरी को देख करके विद्वानों ने कहा है, कादंबरी रसज्ञा नाम आहारोपी न रोचते। कादंबरी रसिकों को आहार भी रोचता नहीं, रुचिकर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये आहार से भी रुचिकर है, उतना उसमें खो जाते हैं पढ़ने में पढ़ाने में। इतना रुचिपूर्ण ग्रंथ लिखा है महाकवि बाण भट्ट ने। कादंबरी भी दो भाग में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो ऐसा कहा जाता है कि कादंबरी का जो पूर्वार्ध है वह महाकवि बाण भट्ट ने रचा है और जो उत्तरार्ध है उनके पुत्र ने रचा है जिसका नाम भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट से भी जानते हैं, हमें प्राप्त भी होते हैं श्लोक उसके बारे में। केवलोऽपि स्फुरन् बाणः करोति विमदान् कविन् किं पुनः कृतसन्धानः पुलिन्द कृतसन्निधिः। इस प्रकार से कादंबरी जो कथा है उसके पूर्वार्ध के रचयिता महाकवि बाण भट्ट और उत्तरार्ध के रचयिता उनके पुत्र पुलिंद भट्ट अथवा भूषण भट्ट, ये दोनों में से दो नाम है उनके, तो ये माने जाते हैं। महाकवि बाण भट्ट के परिचय के बारे में यदि बात करें तो महाकवि बाण भट्ट बहुत ही विद्वान थे। जैसा अन्य कवियों के विषय में है कि उनके कवि परिचय प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा महाकवि बाण भट्ट के विषय में नहीं है। ये तो ही महाकवि बाण भट्ट ने खुद ही अपना परिचय जो है वह कादंबरी और हर्षचरितम दोनों में प्रस्तुत किया है, इसलिए महाकवि बाण भट्ट के परिचय के विषय में हमें काफ़ी सरलता हो जाती है। महाकवि बाण भट्ट के ऊपर माँ सरस्वती की असीम कृपा थी,
और उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा जीवन के ऊपर, क्योंकि महाकवि बाण भट्ट महाराज हर्ष के समय में राज्य कवि के रूप में विद्यमान थे और उन्होंने महाकवि चूडामणि अयम, ये महाकवि चूडामणि बाण भट्ट ने हर्ष चरित में अपना जीवन परिचय विस्तार पूर्वक दिया है। वह केवल परिचय के रूप में ही नहीं किंतु साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो उनका परिचय जो हमें प्राप्त होता है वो इस प्रकार से है, जो हर्ष चरित्र में उन्होंने वर्णन किया है। ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद में पुलह, पुलह के अनंतर वात्सीह, वात्स्य के अनंतर कुबेर, कुबेर के चार तनय अच्युत, विशान, हर और पाशुपत, पाशुपत के पुत्र के रूप में अर्थपति और अर्थपति के विश्वरूप अहिदत्त, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, चित्रभानु, लक्ष, इस प्रकार से नौ पुत्र थे अर्थपति के। उसमें जो चित्रभानु जी थे, चित्रभानु की संतान महाकवि बाण भट्ट थे। चित्रभानु की पत्नी का नाम था राजदेवी और राजदेवी और चित्रभानु के पुत्र थे महाकवि बाण भट्ट। महाकवि बाण भट्ट के भी दो पुत्र थे, एक पुलिंद भट्ट जो पुलिंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा है भूषण भट्ट। तो इस प्रकार से हर्ष चरित में महाकवि बाण भट्ट की पूरी वंशावली हमें प्राप्त होती है। तो महाकवि बाण भट्ट की यह वंशावली हमारे लिए बहुत ही उपकारक है, यह तो ही संस्कृत कवियों का जीवन परिचय मिलना काफी दुष्कर होता है, किंतु महाकवि बाण भट्ट के विषय में ऐसा नहीं है। महाकवि बाण भट्ट की जो माता है वह बाल्यकाल में ही दिवंगत हो गई थी, इसलिए उनका जो पालन पोषण है वह उनके पिता के द्वारा ही हुआ था। लेकिन जब वह चतुर्दश वर्षीय थे, 14 साल के, तब उनके पिता का भी निधन हो गया था। तो महाकवि बाण भट्ट फिर बाद में उनके पैतृक संपत्ति उनको काफ़ी प्राप्त हुई थी, तो उसके चलते वह उनके मित्रों के साथ पूरे राष्ट्र में भ्रमण के लिए निकलते हैं और उनके वहाँ विविध मित्र बन जाते हैं। तो महाकवि बाण भट्ट के बहुत सारे काफ़ी मित्र होते हैं, उसमें से कोई नाट्यकार होता है, कोई चिकित्सक होता है, कोई पाठक होता है, कोई सुवर्णकार होता है, कोई रत्नकार होता है, लेखक होता है, कोई नर्तक है, कोई धातु विद्या में प्रवीण है, ऐसे अनेक प्रकार के मित्र उन्होंने बनाए, जिससे क्या हुआ कि उनको अनेक विद्याओं का उनकी मित्रों की सहायता से ज्ञान हुआ, अनेक कलाओं का ज्ञान भी उनको हुआ। तो उसके कारण उनको अपनी कविता शैली में वह काफ़ी उपयोगी हुआ, यह हमें दिखाई पड़ता है। तो महाकवि बाण भट्ट जो है वह भ्रमण करने के बाद में फिर पुनः अपने गांव लौटे। उनका जो गांव था उसका नाम है, यहाँ बताया हुआ है, बाण भट्ट का नाम जो गांव का नाम है जो प्रीतिकूट नामक नगर सोन नदी के समीप में बसा हुआ प्रीतिकूट नामक नगर, वहाँ बाण भट्ट पूरा पटन भ्रमण करके पुनः वहाँ वापस आते हैं। तो वहाँ बाण भट्ट के विषय में जब महाराजा हर्ष को कुछ मिथ्या तथ्य कहे जाते हैं कि बाण भट्ट जो है वह तो इधर उधर घूमने वाले हैं, केवल ना उनमें कोई पांडित्य है और ना कुछ है, इस प्रकार का अनर्गल वार्तालाप जो है वह राजा हर्ष को सुनाया जाता है,
तो वहाँ किसी दुष्ट ने कहा कि महान असौ अयम भुजंग, ये तो एक महान भुजंग है। तो उन्होंने जवाब दिया कामे भुजंगता, स्लेश में जवाब दिया कामे भुजंगता, मुझ में कौन सी भुजंगता है, या कामे भुजंगता अर्थात मदने कामे भुजंगता अस्ति मैन। तो इस प्रकार से स्लेश जवाब देने से उनके पांडित्य का हमें पता चलता है। फिर बाद में उन्होंने महाकवि बाणभट्ट ने बहुत सुंदर राजा हर्ष पर हर्षचरित नामक काव्य रचा, जिससे उन्होंने महाकवि हर्ष ने भी, वह भी कवि थे इसलिए वह उनकी विद्वत्ता को जान गए और उनके बारे में जो मिथ्या तथ्य थे वह छोड़ करके उनको राजकवि बना दिया। तो इस प्रकार महाकवि बाणभट्ट का समय काफी निश्चित है, महाकवि महाराजा हर्ष का जो काल था वही काल, यानी उनका काल प्रायः 604 ख्रीष्टाब्द से 647 ख्रीष्टाब्द माना जाता है। तो इसलिए महाकवि बाणभट्ट का समय भी प्रायः वही माना जाता है। तो इस प्रकार से महाकवि बाणभट्ट की काल के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में हमें काफी पता चलता है। यदि उनकी कृतियां देखने जाए तो महाकवि बाणभट्ट ने दो गद्य काव्य लिखे हैं, उसमें एक हर्षचरितम और एक है कादंबरी। उसके सिवा उन्होंने दो नाटक भी लिखे हैं, एक है पार्वती परिणयम और दूसरा है मुकुट ताड़िकम, ताड़ितकम, मुकुट ताड़ितकम। हर्षचरितम यह आख्यायिका प्रकार का गद्य काव्य है, कादंबरी यह कथा प्रकार का गद्य काव्य है, और पार्वती परिणय यह जो है उसकी रचना के विषय में संशय है कि यह महाकवि बाणभट्ट की ही कृति है या नहीं, और मुकुट ताड़ितकम जो अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं। तो इस प्रकार की उनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती है। महाकवि बाणभट्ट के विषय में अनेक कवियों की सार्थक उक्तियां भी हमें प्राप्त होती है, जिनकी प्रशंसा बहुत ही कवियों ने की है। तो उसमें आर्य सप्तती के लेखक गोवर्धनाचार्य महाकवि बाणभट्ट की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी यथा तथावगच्छामि प्रागल्भ्यम अधिकमाप्तुम् वाणी बाणो बभुवः। वाणी ने ही खुद बाण का स्वरूप ले लिया है, अर्थात उतनी प्रागल्भ्य युक्त उनकी वाणी थी, तो साक्षात वाणी स्वरूप ही बाण हो गए उनका। इतनी प्रशंसा उन्होंने की है गोवर्धनाचार्य ने। तिलक मंजरी के लेखक धनपाल भी उनकी प्रशंसा कर रहे, केवलो विस्फुरन बाण करोति विमदान कविन किम पुनः कृत संधान पुलिंद कृत सन्निधि। और भी त्रिलोचन कवि अपने पद्य में महाकवि बाण की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, हृदि लग्नेन बाणेन यन्मंदोपि पदक्रमः भवेत् कवि विरंगाणां चापलं तत्र कारणम्। कोई मंद भी यदि हो जिसकी संस्कृत साहित्य में गति न हो, फिर भी उनका जो पदक्रम है, उनका जो पदलालिति है, उनका जो समास का वैविध्य है, वह उतना आह्लादक लगता है, वह मंद को भी, मंद मति को भी बहुत भाता है। उसमें कवि की चपलता दिखती है कि जो मूड है उनको भी श्रवण करने में, सुनने में इतना मधुरतम लगता है। तो ये एक ऐसा भी कहा जाता है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, क्योंकि उन्होंने काफी सारे शब्द प्राचुर का प्रयोग किया है, शब्द प्राचुर किया, प्राचुर्य का।
एक एक शब्द के कई कई समानार्थी शब्द उन्होंने प्रयुक्त किए हैं। एक ही ध्वनि शब्द के लिए उन्होंने 19 शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा में प्राप्त होता है। तो एक एक शब्द के लिए काफी समानार्थी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, इसलिए ही ऐसा कहा जाता है कि बाणोच्छिष्टम विगत सर्व। तो इस प्रकार से महाकवि बाणभट्ट की प्रशंसा हमें अनेक कवियों द्वारा देखने को मिलती है। राघव पांडे भी के लेखक जो है वह भी बाण की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, सुबंधुर बाण भट्टश्च कविराज इति त्रयः वक्रोक्ति मार्ग निपुणश्च चतुर्थो नवै विद्यते नवा। तो सुबंधु बाणभट्ट और कविराज ये तीन ही वक्रोक्ति के महानतम कवि है और चौथा कोई जो है उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही महाकवि बाणभट्ट की कविताएँ प्रशंसाएँ हमें प्राप्त होती है। तो महाकवि बाणभट्ट की जो शैली है वह काफ़ी विद्वान लोगों की जो शैली होती है, तो आलोचकों ने उनके बारे में बहुत लिखा है। उनके गद्य में लालित्य होता है, लंबे लंबे समासों को वह बल प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। समास प्राचुर्य उनके गद्य में है काफ़ी, समास का बहुत ही प्रयोग किया उन्होंने, श्लेष उपमा रूपक प्रेक्षा सहोक्ति परिसंख्या इत्यादि अलंकारों का प्राचुर्य देखने को हमें मिलता है। अक्षोद सरोवर का जो वर्णन हमें कादंबरी में प्राप्त होता है, उसके वर्णन से हमें यह ध्यान पड़ता है कि कवि प्रकृति के वर्णन में भी काफ़ी माहिर है, क्योंकि वह बहुत सारा अटल भ्रमण उन्होंने किया है, इसलिए प्रकृति का वर्णन भी उन्होंने बहुत सुंदरतम किया है। तो इस प्रकार से उनकी जो निर्दोष वैविध्यपूर्ण प्रभावशाली शैली है वह हमें आश्चर्यचकित करती है। उनका प्रकृति का ज्ञान और संध्या वर्णन, शूद्रक वर्णन, सुख वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन इत्यादि सभी से हमें महाकवि बाणभट्ट की जो उत्कृष्ट शैली है उसका परिचय होता है। महाकवि बाणभट्ट ने जो मंगलाचरण किए हैं कादंबरी में, 20 जितने मंगलाचरण के श्लोक उन्होंने वहाँ लिखे हैं, तो उसमें से केवल प्रथम पद्य हम यहाँ देखेंगे और अन्य पद्य कभी और बार देखेंगे हम। तो मंगलाचरण कादंबरी में इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, रजो जुसे जन्म निसत्व वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः, तो इस प्रकार का उन्होंने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। उन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी किया है, उन्होंने आशीर्वादात्मक भी मंगलाचरण किया है। तो इस प्रकार के तीनों मंगलाचरण के उदाहरण हमें इसमें कादंबरी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार महाकवि बाणभट्ट ने अपने जीवन विषय में बता करके हमारे लिए बहुत ही उपकार किया है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में हमने इस पाठ में महाकवि बाणभट्ट के बारे में बताया। अगले पाठ में हम संक्षिप्त में कादंबरी का परिचय भी प्राप्त करेंगे। अस्तु तावत्, नमो नमः, ओम।